हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेट एकेडमी में। मैं शशिकांत राय और यहाँ पर आज आप लेके आए हैं बिहार एस्टेट 2024 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो है पाठ्य पुस्तक और पुस्तकालय, या फिर इसको इंग्लिश में आप जो है टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। तो आज के जो है वीडियो हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि पाठ्य पुस्तक और पुस्तकालय का क्या इंपॉर्टेंस होता है आर्ट ऑफ टीचिंग में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको जो है ये वीडियो मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव मिलते रहें और भी जो बिहार शिक्षा से संबंधित जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पाठ्य पुस्तक और पुस्तकालय के बारे में उदाहरण के साथ में। जी हाँ, विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं, एक एक पॉइंट्स जो है क्लियर करते चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो है पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय का जो है एक इंट्रोडक्शन परिचय जो है देख लेते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक जो है कला है जो विभिन्न साधनों और संसाधनों का उपयोग करके विद्यार्थियों को क्या करती है, ज्ञान प्रदान करने का काम करती है। और इस कला में मतलब शिक्षण कला में पाठ्यपुस्तकों और पुस्तकालयों का विशेष महत्व है। और ये जो लेख है या ये जो वीडियो आपके जो सामने लेकर आए हैं, यह शिक्षण कला में पाठ्यपुस्तकों और पुस्तकालयों के महत्व, उनके उपयोग और उनके प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश जो है डालेंगे इसमें। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाले हैं, इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपके MCQs जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में वो आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे हम लोग पाठ्यपुस्तक और उसके बाद समझेंगे पुस्तकालय। ठीक है, तो पाठ्यपुस्तक का जो है सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक क्या है? पाठ्यपुस्तक जो है शिक्षण का एक जो है महत्वपूर्ण क्या है, उपकरण है। पाठ्यपुस्तक जो है शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह विद्यार्थियों को विषय का संरचित और संगठित ज्ञान प्रदान करती है। इसके साथ ही पाठ्यपुस्तकें शिक्षण और विद्यार्थी दोनों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। यानी कि यहाँ पर कितने टॉपिक्स निकल करके आए हैं? लगभग 3-4 टॉपिक जो है निकल करके आए हैं। ठीक है, 4 नहीं 3। ठीक है, क्या है? पहले तो ये पाठ्यपुस्तक शिक्षण का क्या है, ये एक उपकरण है। ठीक है, क्या है? एक उपकरण है। और इसके साथ ही जो है क्या करती है, विषय का संरचित और संगठित ज्ञान प्रदान करती है। और इसके साथ ही विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए क्या करती है, मार्गदर्शक का काम करती है। तो ये पाठ्यपुस्तक का क्या हो गया, इम्पोर्टेंस आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं। पाठ्यपुस्तक की जो विशेषताएं हैं उसको आपको यहाँ पे 4 जो है टॉपिक्स यानी 4 हेडिंग्स के बीच में बताया गया है। जैसे संगठित जानकारी, दूसरा है प्रमाणित स्रोत, तीसरा है व्यापक कवरेज और चौथा है लास्ट में प्रश्न उत्तर। तो पाठ्यपुस्तक की ये विशेषताएं होती हैं कि इससे आपको संगठित जानकारी मिलती है। संगठित जानकारी का मतलब क्या होता है कि पाठ्यपुस्तकें विषय की जानकारी को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, पाठ्यपुस्तक क्या करती है, संगठित जानकारी प्रदान करती है। किस फॉर्मेट में? व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से। इसके बाद ही प्रमाणिक स्रोत। प्रमाणिक स्रोत का मतलब क्या होता है, ये विषय के प्रमाणिक स्रोत होती हैं जो मान्य संस्थाओं द्वारा प्रमाणित होती हैं। यानी कि जो भी पाठ्यपुस्तक आपकी तैयार की जाती है, जैसे यूपी बोर्ड के लिए कर रहे हैं या बिहार बोर्ड के लिए कर रहे हैं, तो उस बोर्ड द्वारा वो प्रमाणित होती है या उसके ऊपर जो संस्थाएं होती हैं या शिक्षा मंत्रालय होता है वहाँ से इनको जो है प्रमाणित किया जाता है। उसके बाद ही ये आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो पाठ्यपुस्तक क्या होता है, संगठित जानकारी प्रदान करती है व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से, और इसके साथ ही प्रमाणिक स्रोत के रूप में काम करती है क्योंकि ये मान्य संस्थाओं या सरकारी संस्थाओं द्वारा क्या होती है, प्रमाणित होती है। इसके बाद अगली जो विशेषता होती है पाठ्यपुस्तक की, वो है व्यापक कवरेज। व्यापक कवरेज का मतलब होता है विभिन्न विषयों का व्यापक कवरेज प्रदान करती है। यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पुस्तकें आती हैं जिसमें आपको ढेर सारी जो है जानकारी जो है बताई जाती है ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। और इसकी आखिरी जो है विशेषता होती है प्रश्न और उत्तर, क्योंकि अगर किसी पाठ्य पुस्तक के अंत में कोई अभ्यास का वर्क ना दिया गया हो, अभ्यास कार्य ना दिया गया हो, तो वो बुक का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो प्रश्न और उत्तर जो है पाठ्यपुस्तक की सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इनमें पाठ के अंत में प्रश्न और उत्तर होते हैं जो छात्रों की समझ को परखने में मदद करते हैं। प्रश्नोत्तर क्यों दिए जाते हैं, छात्रों की समझ को परखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का क्या उपयोग होता है। शिक्षण में आपका जो है पाठ्यपुस्तक जो है उसका क्या उपयोग करते हैं, यहाँ पर इसके भी जो है 4 टॉपिक बताए गए हैं पाठ्यपुस्तक उपयोग का शिक्षण में किस तरीके से करते हैं। पहला होता है पाठ योजना बनाने में, दूसरा होता है शिक्षण सामग्री के रूप में, तीसरा होता है विद्यार्थी संदर्भ के लिए, और चौथा होता है पुनरावृत्ति और तैयारी के लिए।
तो शिक्षण में जो पाठ्यपुस्तक का पहला उपयोग होता है वो पाठ योजना। शिक्षक पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही ये पाठ योजना क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा सके और शिक्षण उद्देश्यों को हासिल कर सकें। शिक्षण सामग्री, शिक्षण के दौरान शिक्षक पाठ्यपुस्तक की सामग्री का संदर्भ लेते हैं, यानी कि जब भी वो जो है टीचिंग करते हैं, बच्चों को जो है शिक्षण प्रक्रिया पूरी कर रहे होते हैं, उस समय क्या करते हैं, पाठ्यपुस्तक की जो सामग्री होती है उसी से संदर्भ लेकर के वो आगे बच्चों को सिखाते हैं। विद्यार्थी संदर्भ, विद्यार्थी अपने होमवर्क और परियोजनाओं के लिए पाठ्यपुस्तक का उपयोग करते हैं। विद्यार्थी को जो भी होमवर्क मिलता है या परियोजना या अनुसंधान वर्क मिलता है उसमें क्या करते हैं, पाठ्यपुस्तक का जो हेल्प लेते हैं, इसलिए पाठ्यपुस्तक क्या होती है शिक्षण प्रक्रिया में एक विद्यार्थी के संदर्भ के लिए भी काम करती है। इसके बाद अगली जो है इसका उपयोग होता है शिक्षण में पुनरावृत्ति और तैयारी। परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकें जो हैं आवश्यक होती हैं, ताकि वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, प्रिपरेशन सही से कर सकें। कारण, क्योंकि उसमें जो है व्यापक जानकारी मिलती है। इसको जो है अब पाठ्यपुस्तक का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं कि इसमें पाठ्यपुस्तक का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, ठीक है, उपयोग किस तरीके से करते हैं, उसके ऊपर एक उदाहरण यहाँ पे दिया। जैसे गणित की कोई पाठ्यपुस्तक है, गणित की एक पाठ्यपुस्तक का उदाहरण ले लेते हैं कि गणित की कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न अध्याय होते हैं, जैसे त्रिकोणमिति होता है, बीजगणित आदि होता है। तो शिक्षक क्या करता है, त्रिकोणमिति के अध्याय को पढ़ाते समय पहले उस अध्याय का परिचय देते हैं, फिर विभिन्न सिद्धांत और सूत्र समझाते हैं, और इसके बाद उदाहरण प्रश्नों को हल कराते हैं और अंत में अभ्यास प्रश्न देते हैं। तो इसको बोलते हैं पाठ्यपुस्तक, यानी एक पाठ्यपुस्तक में इतनी सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पाठ्यपुस्तक है तो उसमें जो है चैप्टर दिए रहते हैं, ठीक है, फिर चैप्टर को पढ़ाते समय पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फिर उन सिद्धांत और सूत्र समझाए जाते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल कराते हैं, फिर अंत में अभ्यास प्रश्न देते हैं। यानी कि एक पाठ्यपुस्तक में ये सारी क्वालिटीज़ या सारे टॉपिक्स मेंशन होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यपुस्तक जो है बननी चाहिए, छपनी चाहिए। इसके बाद आता है पुस्तकालय। पाठ्यपुस्तक के बारे में हमने जान लिया, अब जानते हैं पुस्तकालय के बारे में। तो पुस्तकालय का महत्व के बारे में जान लेते हैं कि पुस्तकालय का महत्व क्या है। पुस्तकालय एक ऐसा संसाधन है जहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य पढ़ने की सामग्री उपलब्ध होती है, और यह विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ज्ञान का भंडार है। लाइब्रेरी क्या होता है, विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए क्या होता है, ज्ञान का भंडार होता है, ठीक है। आप लाइब्रेरी जा सकते हैं क्योंकि आपके पास जो बुक्स होती हैं वो आपकी विषय केंद्रित होती हैं, स्कूल केंद्रित होती हैं। अगर आप उससे अधिक ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं और भी व्यापक स्तर पर जाना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होता है, पुस्तकालय या लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, जहाँ पर विभिन्न राइटर्स की आपको बुक्स अवेलेबल होती हैं और उस पर बहुत सारे विचार आपको मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी जो है तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो पुस्तकालय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पुस्तकालय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या चैप्टर के बारे में। पुस्तकालय की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, एक अच्छा पुस्तकालय की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे भी जो है चार टॉपिक के तहत इसको समझाया गया है। विविधता होनी चाहिए, प्रवेश, शांति और संसाधन। तो विविधता, विविधता का मतलब होता है पुस्तकालय में विभिन्न विषयों और प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, ठीक है। अगर एक अच्छा पुस्तकालय है तो वहाँ पर आपको जो है हर प्रकार की पुस्तक वहाँ मिलेगी, हर विषय की मिलेगी, हर टॉपिक से रिलेटेड मिलेगी, तो उसको एक अच्छा पुस्तकालय माना जाएगा। प्रवेश, यह सभी विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए जो है सुलभ होता है। लाइब्रेरी आप कहीं भी जा सकते हैं, थोड़ी सी एक छोटी सी रकम पे करके आप वहाँ पर जितनी भी बुक्स हैं 24 घंटे उसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए या शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद शांति, पुस्तकालय में अध्ययन के लिए शांति और अनुकूल वातावरण जो है होता है, इसकी विशेषता है। अगर पुस्तकालय है तो वहाँ पे शांति रहेगी, अनुकूल वातावरण बना रहेगा, तभी जो है जो विद्यार्थी होते हैं या शिक्षक होते हैं उनको वहाँ पे पढ़ने में मन लगेगा। संसाधन, यहाँ संदर्भ पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं और डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है पुस्तकालय में आज के समय में। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी, एक ही टॉपिक के ऊपर शोध पत्रिकाएं मिलेंगी और बहुत सारे डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। तो ये अच्छे पुस्तकालय की जो है विशेषताएँ बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है शिक्षण में पुस्तकालय का उपयोग। शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट करने में पुस्तकालय का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे चार टॉपिक के तहत समझाया गया है। पहला है संदर्भ अध्ययन, दूसरा है शोध और परियोजना, तीसरा है पठन कौशल, चौथा है ज्ञान विस्तार। तो संदर्भ अध्ययन के तहत क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए पुस्तकालयों का उपयोग करते हैं, इसलिए जो है पुस्तकालय शिक्षण के लिए संदर्भ अध्ययन का काम करता है, ठीक। शोध और परियोजना, शोध और परियोजना के लिए आवश्यक सामग्री पुस्तकालय में ही मिलती है, यानी पुस्तकालय का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है शोध और परियोजना से संबंधित संदर्भ खोज करके और उसका इस्तेमाल करके। पठन कौशल,
पुस्तकालय विद्यार्थियों के पठन कौशल को क्या करता है, विकसित करता है, यानी कि आपके अंदर पठन कौशल की आदत बनती है। अगर आप पुस्तकालय जाते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ने की आदत बनती है, जिससे आपका जो है डेवलपमेंट, जो मानसिक जो डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट, वो जो है कंप्लीट हो जाता है और आपके पास बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। इसके बाद आता है ज्ञान का विस्तार। पुस्तकालय विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का विस्तार करने में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय में जो है बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, हर तरीके के रिसर्च पेपर मिलते हैं, हर तरीके के डिजिटल उपकरण मिलते हैं, तो आपका जो ज्ञान का जो विस्तार है वो काफ़ी व्यापक रूप से यहाँ पर संभव हो जाता है। इसके बाद पुस्तकालय को उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे विद्यालय का जो पुस्तकालय होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। विद्यालय पुस्तकालय में साहित्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विभिन्न विषयों की पुस्तकें होती हैं। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को इतिहास में रुचि है तो पुस्तकालय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित पुस्तकें पढ़ सकता है, ठीक है। यानी कि एक अच्छा पुस्तकालय विद्यालय का इस प्रकार से होना चाहिए जो इसमें बातें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय का समन्वय, यानी पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय को आपस में कैसे कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, कैसे समन्वय किया जाता है और समन्वय का महत्व क्या आता है। समन्वय का महत्व होता है कि पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय का समन्वय शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है, समृद्ध और प्रभावी बनाता है और दोनों संसाधन मिलकर विद्यार्थी को व्यापक और गहरा ज्ञान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय का समन्वय होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को समृद्ध बनाता है, प्रभावी बनाता है, जिससे जो है क्या होता है, विद्यार्थी को अच्छा और व्यापक स्तर पर जानकारी मिलती है। समन्वय के तरीके क्या हैं? समन्वय के तरीके का मतलब होता है कि पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय में किस तरीके से आपस में समन्वय स्थापित किया जाए, इसको भी जो है चार पॉइंट के तहत यहाँ पर समझाया गया है। एकीकृत पाठ्य योजना, संदर्भ पुस्तकें और प्रवेश संसाधन, ठीक है। तो एकीकृत पाठ्य योजना में क्या करते हैं, शिक्षक पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय की सामग्री को मिलाकर पाठ्य योजना बना सकते हैं। शिक्षक के लिए क्या है, शिक्षक पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय की सामग्री को मिलाकर पाठ्य योजना बना सकते हैं और विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी भी पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय की सामग्री को मिलाकर के अपना अभ्यास कार्य आसानी से कर सकते हैं या रिसर्च अनुसंधान कर सकते हैं। संदर्भ पुस्तकें, शिक्षक पाठ्यपुस्तक के अध्याय के साथ संबंधित संदर्भ पुस्तक की सूची पुस्तकालय से प्रदान कर सकते हैं, तो संदर्भ पुस्तकें भी आपको वहाँ पे उपलब्ध हो सकती हैं। प्रवेश संसाधन, पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों के अध्यायों पर आधारित विषय संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये समन्वय के क्या हो गए, आपके तरीके हो गए। उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण किस चीज़ के बारे में, उदाहरण है ये पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय के समन्वय के बारे में, ठीक है। पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय के समन्वय के लेकर के यहाँ पर उदाहरण से समझाया गया है कि समन्वय किस तरीके से होता है। विज्ञान का अध्ययन जैसे आपको करना है तो विज्ञान की कक्षा में शिक्षक पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पढ़ाते समय पाठ्यपुस्तक से मूल सिद्धांत को समझते हैं और इसके बाद वे विद्यार्थियों को पुस्तकालयों में उपलब्ध पौधों की जीवन प्रक्रिया पर आधारित पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे विद्यार्थियों को अधिक विस्तृत और गहराई से जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय का आपस में समन्वय किया जा सकता है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन क्या है, पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है, ये इसका जो है निष्कर्ष हुआ, ठीक है। पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों को संरचित और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करती हैं जबकि पुस्तकालय व्यापक और विविध ज्ञान का स्रोत है और दोनों का समन्वय शिक्षण को प्रभावी और रुचिकर और समृद्ध बनाता है, ये इसका जो है कंक्लूजन है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो कि इसके MCQs पर आधारित होगा, यानी कि पाठ्यपुस्तक और पुस्तकालय के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।